बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हों, जिस तरह ये पॉइंट नंबर वन है वो इसका ये कोऑर्डिनेट है, और इसी तरह आपके पास पॉइंट नंबर टू ये है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तो इन केस अगर आपको साइड पे ज़रूरत पड़ जाती है या पॉइंट वन से या पॉइंट टू से ऑफसेट लेने की और पॉइंट वन या पॉइंट टू को अपनी जगह पे रखने के, तो आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट से मैंने ऑफसेट लिया है 2 सेंटी का और 2 सेंटी पे ये कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल, साइड के ऊपर आपके पास अगर ऑटोकैड नहीं है तो आप लाइका की जो टोटल स्टेशन है उसमें इसको किस तरह यूज़ करेंगे इन दो कोऑर्डिनेट्स को, ताकि आपके पास ये तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाए और फिर आप इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक अलाइनमेंट को स्ट्रेट कर सकें। वैसे तो हमारी पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ है ना, तो हम ऑफसेट वाले से पॉइंट टू की तरफ लाइन को स्ट्रेट कर लें, और ये डिस्टेंस हमें पता हो, हम इस पॉइंट से इतना, फॉर एग्जांपल मैं 2 सेंटी गया हूँ, 2 सेंटी जाना है, 2 मीटर जाना है, ये जितना भी जाना है, और उस पॉइंट को लेकर आपने इस पॉइंट को रखना है। तो ये कोऑर्डिनेट आपने टोटल स्टेशन के अंदर किस तरह कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम जाएंगे अपनी टोटल स्टेशन या जीपीएस या जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, TS-11 है या TS-15 है या GS-14 है या GS-15 है, ये अपडेटेड मॉडल भी आई थिंक सेम आ रहे हैं। तो गो टू वर्क में जाएंगे, यहाँ पे कोगो में जाएंगे, कोगो के बाद आपने जाना है लाइन एंड आर्क कैलकुलेशन पे। ओके, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, कैलकुलेट आर्क सेंटर, कैलकुलेट आर्क ऑफसेट पॉइंट, मींस के जो आपकी अगर कर्व है ना आर्क के, उसको भी आप ऑफसेट देके यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये साइड में दिखा रहा है। तो हमने इसको यूज़ करना है कैलकुलेट लाइन ऑफसेट पॉइंट, एंटर कर लेंगे, ओके करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉइंट हैं, मीन्स के टू पॉइंट या पॉइंट पेयरिंग एंड डिस्टेंस, तो हम टू पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया पॉइंट वन और पॉइंट टू है। एंटर किया और स्टार्ट पॉइंट कौन सा है आपका, स्टार्ट पॉइंट TPS-1, ये जो कोऑर्डिनेट वहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे पॉइंट वन, और ये पॉइंट टू आ गया। अभी इसको ओके कर देना है आपने यहाँ से, और ये कैलकुलेट है इन दो के दरमियान, मीन्स के सबसे पहले पूछे डिस्टेंस अलॉन्ग द लाइन, दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके दरमियान कितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए, और ऑफसेट राइट में या लेफ्ट में, राइट के लिए प्लस होगा और यहाँ पे लेफ्ट के लिए माइनस हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं करता हूँ, मुझे जो अलॉन्ग द डिस्टेंस है मुझे ज़ीरो ही चाहिए, और ऑफसेट जो है वो मुझे चाहिए है -0.02। ओके करना है और कैलकुलेट करना है। जो पॉइंट नंबर थ्री है ये हमारा आया है 6674.4972 और 2748387.729। तो हम इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, क्या ये पॉइंट वही है। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटी ऑफसेट दिया था प्लस में, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ये था, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हुए जो आपका राइट होता है वो प्लस होगा, जो लेफ्ट होगा वो माइनस होगा। तो ये कोऑर्डिनेट 726 और 730। मीन्स के 7296 है, तो आप इसको 730 ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक इसका एक मेथड है, अगर आपको साइड पे कभी ज़रूरत पड़ जाए ऑफसेट कैलकुलेट करने की, तो ये एक आसान सा तरीका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।